तुमसे मिलकर अच्छा लगा, तुमसे बात करके अच्छा लगा, उसे सुनकर अच्छा लगा, मूवी देखकर अच्छा लगा, उसकी मदद करके अच्छा लगा। इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे फ्रेम करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर में सीखेंगे। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको स्ट्रक्चर बताता हूँ जिसकी मदद से हम इस तरह के किसी भी प्रकार के वाक्य को फ्रेम कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, मैं आपको स्ट्रक्चर बताता हूँ। स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है। सबसे पहले हम लिखेंगे नाइस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। क्या लिखेंगे? नाइस टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। एग्जाम्पल के थ्रू हम इसे और अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। तुमसे मिलकर अच्छा लगा, नाइस टू मीट यू, नाइस टू मीट यू। तुमसे बात करके अच्छा लगा, नाइस टू टॉक टू यू, नाइस टू टॉक टू यू। मूवी देखकर अच्छा लगा, नाइस टू वॉच मूवी, नाइस टू वॉच मूवी। उसे सुनकर अच्छा लगा, इसे हम इंग्लिश में कहेंगे नाइस टू हियर हिम, नाइस टू हियर हिम। तुम्हें देखकर अच्छा लगा, नाइस टू सी यू, नाइस टू सी यू। गाइस, आई होप आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। गाइस, एक सेंटेंस आपकी प्रैक्टिस के लिए, तुम्हारे बारे में सोचकर अच्छा लगा। राइट योर आंसर इन कॉमेंट बॉक्स। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।